वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं और कंफ्यूज लौंडा हम दोनों आए हैं सिरोल सर लेक पर, जलोरी पास के ऊपर। नीचे और घोड़े और घोड़े हैं यहाँ पर। इस व्लॉग में आपको देखेंगे घोड़े खाना खाते हुए। एक है काला, एक ग्रे और एक भूरा। एपिक हॉर्सेस। ये सिरोल सर लेक नहीं है, ये बहुत गंदी लेक है, लेकिन हम अभी सिरोल सर लेक जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। दैट्स राइट। ज्यादा चला ली थी। हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑन माय चैनल। ये वाला वीडियो जलोरी पास ट्रैक के ऊपर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली वीकली वीडियोस पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इनायत जिभी में रुका था। वहाँ से जलोरी पास अबाउट 10 किलोमीटर्स, आधे घंटे का राइड है। मैं मोटरसाइकिल पे गया था, महिंद्रा मोजो पे। अगर आप जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी मोटरसाइकिल पे ही जाएं, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है और मेरे टाइम पे तो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, तो इट वाज वेरी डेंजरस दैट वे। और उस आधे घंटे के एंड में फिर ट्रैक स्टार्ट होता है। द ट्रैक इट्सेल्फ इज़ अ बिगनर लेवल ट्रैक, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, और ये 2.5 घंटे 2 घंटे कुछ का ट्रैक है। मेरे को 3 घंटा लगा था बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी बैड फिजिकल कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत डिफिकल्टी हुई थी, पसीना पसीना हो गया था मैं। बट यूजुअली नहीं होता है, मेरे साथ में संदीप था, ही वॉज वेरी ऑर्डर, उसको कुछ इशू नहीं हुआ था। तो रिफ्रेशमेंट्स के लिए आपको बिगनिंग ऑफ द ट्रैक, एंड ऑफ द ट्रैक और मिडल ऑफ द ट्रैक में भी स्टोर्स मिल जाएंगे। छोटी बहुत दुकानें हैं वहाँ, आप पानी पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, ऑमलेट वगैरह ये सब अवेलेबल रहता है। तो आपको ऐसे ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। टेंट्स का भी स्पॉट है, जलोरी पास के रास्ते में पड़ता है, तो आप ओवरनाइट टेंट स्टे भी कर सकते हैं, रेंट पे मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे पास में और भी एक ट्रैक है तो वो भी आप कर सकते हो, तो इट कैन बी अ 2 डे थिंग एज वेल। ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, जो रास्ता हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज नॉट द मेन रास्ता। संदीप वाज लाइक कि हम लोग थोड़ा सा साइड वेज होके चलते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, सो वी आर एक्सप्लोरिंग ऐसे ही चलते। माय ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन विद द जलोरी ट्रैक इज दैट नॉर्मली ट्रैक्स में जब आप जाते हैं तब आप जाते हुए चढ़ रहे होते हैं और आते हुए आप उतर रहे होते हैं, राइट। उतरते वक्त आपके लिए इजी हो जाता है, अगर आप जाते हुए भी आपको डिफिकल्टी लग रही है तो यू आर लाइक कि हाँ उतरने में तो कोई टेंशन नहीं आएगी ना, नीचे ही उतरना है। लेकिन जलोरी ट्रैक ऊपर नीचे वाला ट्रैक नहीं है, ये मोस्टली ऊपर नीचे ऐसा ट्रैक है और फिर स्ट्रेट, विच मीन्स कि जितना एफर्ट आपको जाते हुए लग रहा है उतना ही एफर्ट आपको आते हुए भी लगेगा। इनफैक्ट आते हुए नीचे उतरते हुए तो ऐसी भी जगह है जहाँ पे आपको और ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर उतरना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि मेरे को वैसे ही डिफिकल्टी हो रही थी जाने में। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट इफ यू आर प्लानिंग अ जलोरी पास का ट्रिप। And this was the video, guys. Thank you so much for watching till the end. Another reminder for you to hit the like button if you like the video, and post a comment if you really like the video. Share with your friends if you like the video, and subscribe to my channel for regular updates and regular content like this on my channel. You can follow me on Instagram. The link is there in the banner. You can also check my website out, जहाँ पे मैं regularly blogs लिखता हूँ, travel related, motorcycle riding related. आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो उसका भी लिंक बैनर पे है। थैंक यू सो मच।